ये मेरे वतन के लोग जरा याद भर लो पानी जो सही तिरंगा जब तक लहरा रहा है, जब तक
तक हम इसके साथ में इसके नीचे में जी रहे हैं तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि अपने तिरंगे की आन मान शान सम्मान के लिए हम सभी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। 1947 जब हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था तब हमारे देश की आज़ादी इतनी नहीं थी, तब मेरे देश की आज़ादी इतिहास से जैसे कि पढ़ने को मिलता है कि 40 करोड़ आज़ादी आबादी थी हमारे देश की, जिन्होंने मुगलों से अंग्रेजों से अपने भारत वर्ष को आज़ाद करा दिया, गुलामी की जंजीर को तोड़ करके इस मुल्क को स्वतंत्रता दिवा दिया। आज़ादी का महोत्सव हम सभी क्यों मना रहे हैं, इसलिए मना रहे हैं जब वो 40 करोड़ की संख्या में हो करके अपने देश को आज़ाद करा सकते हैं तो आज हम 140 करोड़ भारतीय भारतवासी भारत में निवासी जो निवास कर रहे हैं सभी मिलकर के अपने मुल्क को अपने देश को अपने भारत माता की सुरक्षा क्यों नहीं कर सकते हैं। हमारा सभी का कर्तव्य है, पहले मेरा राष्ट्र है, पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरा दिल हिंदुस्तानी है, मेरे दिलों में मेरे रगों में मेरे खून में एक एक रंग में खून दौड़ता है उन सभी वीर सपूतों का, उन बलिदानियों का, उन माताओं बहनों के बेटियों और बेटों का जिन्होंने अपने देश के लिए अपने परिवारों की न्यौछावर की, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है और हम सभी को स्वतंत्र कराया है। तो उन सभी वीर सपूतों की बलिदानी को हम सभी को भूल नहीं जाना चाहिए, जो वीर सपूत बलिदान हुए हैं उनके बलिदान को हमें भूलना नहीं चाहिए, अपने पथ पर चलने रहता चाहिए और अपने साथ साथ अपने ध्वज का अपने राष्ट्र का अपने देश का इस सम्मान को बचाए रखना चाहिए। जब मेरा राष्ट्र मेरा भारतवर्ष स्वतंत्रता को आज मना रहा जैसे, जब मेरा भारत सुरक्षित रहेगा मेरा हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा तो उसमें रहने वाले हम सभी निवासी सुरक्षित रहेंगे, जब मेरा राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम सब कैसे सुरक्षित रहेंगे। आज के उदाहरण स्वरूप आप बांग्लादेश की स्थिति को देख लीजिए क्या हाल है। तो ऐसी स्थिति ना होने पाए हम सभी जितने भी भाई हैं बहन हैं किसी भी कास्ट के हों धर्म के हों किसी भी प्रकाष्ठा को मानने वाले हों किसी भी धर्म को मानने वाले हों सबसे पहले मेरे रंगों में खून दौड़ता है तो वो हिंदुस्तानी खून है, वो हिंदुस्तान का खून है, इसलिए हम सभी सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद कुछ भी हो सकता है लेकिन सबसे पहले ये दिल है हिंदुस्तानी, हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान के लिए जिएंगे, हिंदुस्तान के लिए मरेंगे, हिंदुस्तान में रहेंगे, सब कुछ हिंदुस्तान के लिए कुर्बान करने के लिए जब हम सभी तैयार होंगे तब मेरा देश मेरा वतन सुरक्षित रहेगा। सिर्फ आपस में मेल होना चाहिए, आपस में प्रेम होना चाहिए, आपस में एकता होना चाहिए और अपने राष्ट्र से सबसे पहला प्रेम होना चाहिए। अगर राष्ट्र से प्रेम है अपने ध्वज से प्रेम है तो हम सभी अपने देश के लिए हमेशा खड़े मिलेंगे, हमेशा खड़े थे खड़े हैं और खड़े ही रहेंगे। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का लगता पग पग मेला वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो हम सभी को अपने भारत वर्ष की आन मान सम्मान हम सभी कैसे भूल सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी सरदार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर आजाद ऐसे नामों को मैं कैसे आप सभी कैसे सकते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपने वतन के लिए हंसते हंसते फांसी के झंडों पर चढ़ जाते हैं, अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को निछावर कर सकते हैं, हम सब उनको कैसे भूल सकते हैं।
तो हम सभी का कर्तव्य है कि अपने राष्ट्र से प्रेम करें, अपने ध्वज से प्रेम करें। आज जितना सख्त बोला जाए उतना सख्त कम है, उतने सख्त में कोई नहीं होनी है जितना उन माताओं बहनों और बेटियों के माता पिताओं ने, चाचा ने, पापा ने, जो भी हैं उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके हमारे देश को, इस ध्वज को बचाया है, अपने प्राणों की बलि दी है। उन सभी को हमें याद करते रहना चाहिए। अपने देश के लिए हमें लड़ते रहना चाहिए, अपने देश के लिए हमें एकता बनाए रखना चाहिए। कहीं कुछ भी होता है आपस में मन मुटाव भेद भाव करते रहना चाहिए, लेकिन जहाँ पर देश का बात आता है, राष्ट्र का बात आता है, अपने वतन की बात आती है, हम सभी को एक हो करके खड़े होना चाहिए। उसमें हमें ये नहीं देखना है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। अगर इस वतन में रहते हैं, इस भारत माता के अंदर अगर आपके अंदर खून है, तो आप 100% अपने वतन के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ना कि अपने धर्म जात कास्ट के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम अपने वतन के लिए लड़े और अपने वतन को, अपने देश को बचा करके रखें और आगे बढ़ाते रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना प्यार दुलारा से बात दीजिएगा। फिर मिलता हूँ किसी नए ब्लॉग में, नए जोश, नए उत्साह के साथ में, नए उमंग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।